अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। तो दोस्तों आपको करता हूँ वेलकम अपने चैनल इंफॉर्मेशन स्टूडियो में। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो नहायत ही अहम टॉपिक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपने देखना है वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों जब नए यूट्यूबर यूट्यूब पर अपने चैनल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम वर्किंग करने के बाद उनके चैनल की सेटिंग ख़राब हो जाती है और क्या होता है उनके चैनल से कस्टमाइज़ का ऑप्शन भी गायब हो जाता है। तो जिससे क्या होता है वो अपने चैनल की ना तो सेटिंग में जा सकते हैं और ना ही अपने चैनल के बारे में मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपने क्या करना है वीडियो को देखना है एंड तक। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, यूट्यूब के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब को सर्च कर लेंगे। दोस्तों यूट्यूब को सर्च करने के बाद हम चले जाएँगे यूट्यूब के होम पेज में। यहाँ पे हमें दोस्तों मिलेगा ऐसा इंटरफेस देखने को। हमने क्या करना है अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो आपको राइट साइड में अपर साइड पे नज़र आएगी। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने चला जाना है योर चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है ऐसा इंटरफेस दिखने को, ये देखें। यहाँ तो ना तो कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, उसके अलावा ये आपको कह रहा है यू हैव चैनल ट्रांसलेशन, इसके अलावा टू मेक चेंज टू योर चैनल सेट योर लैंग्वेज टू उर्दू। जो कह रहा है आप लोग अपनी जो लैंग्वेज है वो उर्दू सेलेक्ट की हुई है, लिहाजा आप अपनी जो लैंग्वेज है वो चेक करें, इसके बाद आप अपनी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस नहायत ही सिंपल के दोस्तों आज इसके बारे में बताऊंगा, ये सेटिंग बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप तो दोस्तों हमने क्या करना है सिंपली अपने फिर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन लैंग्वेज का। दोस्तों आपने क्या यहाँ पर क्या करना है सिंपली लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेज आपके सामने शो हो रही हैं, आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पे दोस्तों उर्दू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे उर्दू के उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट। दोस्तों यहाँ पे मिल गई हमें उर्दू लैंग्वेज, हम क्या करेंगे सिंपली दोस्तों यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ऐसा इंटरफेस दिखने को, ये देखेगा गाइस कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए पढ़ना भी उसके अलावा समझना भी। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करना है चैनल को हसब ज़रूरत बनाए, हमने इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक जो आपको बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है, हल्का सा लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे चैनल को हसब ज़रूरत बनाए इस पर क्लिक कर देंगे गाइस। सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें फिर नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा इंटरफेस दिखने को, ये देखिए गाइस। दोस्तों हमने क्या करना है सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पे गाइस यहाँ पे कर देना है हमने क्लिक। दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के ऑप्शन पे और आपको यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है दोस्तों चैनल की मालूमात का तकमा करके गैर मुल्की वगैरह वगैरह जो आपको बता रहा है यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे गाइस। दोस्तों हमने चले जाना है इस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर मिलेगा ऐसा इंटरफेस दिखने को, ये देखें दोस्तों हमें दिख रहा है ऐसा इंटरफेस देखने को। हमने क्या करना है ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है असल ज़ुबान, आपने उर्दू पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे क्या करेंगे हम अंग्रेज़ी के ऑप्शन पे चले जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे ज़ुबानें आ गई हैं बहुत ज़्यादा, फिर हम क्या करेंगे अंग्रेज़ी ज़ुबान को सिलेक्ट करना है हमने, फिर जान देंगे ये अंग्रेज़ी ज़ुबान को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ज़ुबान सेट के ऑप्शन पे चले जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आपने आना है थोड़ा सा दोस्तों नीचे, यहाँ पे ज़ुबान उर्दू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। दोस्तों आपने क्या करना है फिर नीचे थोड़ा सा आ जाना है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नज़र आ रही है, आपने क्या करना है सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ हम ढूंढेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, ये दोस्तों हमें मिल गई है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एक है इंडिया, इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएसए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे दो इंग्लिश है, एक इंग्लिश यूके है और इंग्लिश यूएसए जो मेन है, हम अगर इंग्लिश यूके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमें क्या होगा, हमें फिर वही सिंपल सा हमें कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर वही कहेगा आज सेट योर लैंग्वेज, अब वहाँ पर उर्दू आ रहा था फिर आ जाएगा इंग्लिश। चलिए हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये देखिए अभी क्या कह रहे हैं, यू हैव चैनल ट्रांसलेशन टू मेक चेंज टू योर चैनल सेट योर लैंग्वेज टू इंग्लिश। अब ये देखिए अब हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमने मतलब बोला कि इंग्लिश जो यूएस है उस पर आपने करना है सेटिंग, हमारे आगे है लेफ्ट साइड पे ये। दोस्तों अब हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे अब हमारी लेफ्ट साइड पे दोस्तों आ गया, हमें क्या करना है ज़ुबान उर्दू पर क्लिक कर देना है।
और सिंपली क्या करेंगे, इंग्लिश यूएस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखें, सक्सेसफुली हमारे पास जो है कस्टमाइज चैनल और यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिल गया है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपने क्या करना है, अगर आपने अपने चैनल की सेटिंग करनी है तो आपने सिंपली इस वीडियो को देख लेना है और एंड तक आपने देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना।